सबसे पहले 3.5 का हम डाटा प्लॉट करते हैं, क्या डाटा ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास, ईयर्स हैं और प्राइस है, ईयर्स 1970 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास, 2004 से स्टार्ट हो रहे हैं 3.5%। तक आपके पास डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्राइजेस हैं, 187, 161, 149, 142, 125, 129, 133 एंड लास्ट वन इज 140, ठीक है। अब सिंपल आपने करना क्या है, इसमें वो आपको स्टेटमेंट दे रहा है कंप्यूट द चेन इंडिसेस, ठीक है। अब चेन इंडिसेस आपके पास एक नई चीज़ है, चेन इंडिसेस के लिए भी पहले आपको लिंक रिलेटिव बनाना पड़ता है। लिंक रिलेटिव वही पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सबसे पहले हम वो बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा, सिंपल बेस ईयर क्या है कैरावल लेने के लिए, 2004 की हमने बेस ईयर लेनी है, तो मतलब बेस ईयर कितनी किसकी है 2004 की, तो हम लोग सबको किससे डिवाइड करेंगे, सब नंबर्स को 187 से। सिंपल 187 डिवाइड बाय 187 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 161 डिवाइडेड बाय 187 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वन फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई 187, क्योंकि बेस ईयर आपके पास क्या है 2004 का, तो आपने सबको 2004 से ही डिवाइड करना है। नेक्स्ट आपके पास है जी इक्वल का साइन अगेन, ब्रैकेट 142 डिवाइडेड बाय 187 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन इक्वल का साइन ब्रैकेट 125 डिवाइडेड बाय 187 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन ब्रैकेट ओपन 129 डिवाइडेड बाय 187 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन आपके पास इक्वल का साइन ब्रैकेट ओपन 133 डिवाइडेड बाय 187 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन इक्वल का साइन ब्रैकेट ओपन 140 डिवाइडेड बाय 187। सिंपल आपने क्या किया है, सब नंबर्स को जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 187 से, क्योंकि बेस ईयर वो कह रहा था 2004 से लेनी है, तो 2004 की बेस ईयर से मुराद है कि उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस 187, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आए थे चेन इंडाइसेस, चेन इंडाइसेस में आप क्या करते हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, चेन इंडाइसेस, ठीक है। अब चेन इंडाइसेस निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है, ठीक है। देखो पहली वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है 100 की 100 ही रह जाएगी, ठीक है। दूसरी है चेन, चेन आपको पता है कैसे बनती है, ये देखो इतना आपको चीज दिखाती है, ये देखो आपके पास बनानी है आपने चेन इंडिसेस, तो चेन बट आपके पास कैसे बनती है ये देखो, ये आपके पास चेन है, ठीक है। पहले देखो एक सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल, ये आपके पास चेन है। चेन जो होती है आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। तो आपने इस चेन के नाम से याद रखना है कि आपके पास जो
आपका डाटा होगा, आपके जो आंसर्स होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, जुड़े रहेंगे, मतलब पहला 100 ही आ गया, दूसरा आपने अब क्या करना है, इक्वल्स टू 100 पहला वैसे के वैसे, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 मल्टीप्लाई बाय 1125, 1125 से आपने मल्टीप्लाई करना 86 से, 100 को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आया, आंसर आपके पास क्या आया है 86.0926, ठीक है, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किससे कर देना है 100 से। अब दोबारा देखो, पहली वैल्यू जो आई होगी वो लिखनी है आपने, दूसरी वैल्यू के साथ नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100, डिवाइड सब वैल्यू को ही करना है। अभी देखो नेक्स्ट में बताती हूँ, नेक्स्ट ऊपर वाला आंसर क्या आया हमारे पास 86.0926, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इक्वल का साइन नहीं डाला, इक्वल का साइन ब्रैकेट, जो आंसर आया ना हमारे पास 86.0926, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 79.67914, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है 100 से। अब देखो आंसर क्या आ गया आपके पास 68.59, तो अब आपने क्या करना है 68.59 को पकड़ना, 68.59 मैंने तो बताया चेन है, तो चेन क्या है आपस में जोड़ते जाना है, आपने ऊपर वाला जो आंसर आता जाएगा उसको पकड़ना है, उसको इस वाली करंट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस वाली करंट वैल्यू, अब करंट वैल्यू क्या है 75.93583, ठीक है, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे कर देना है 100 से, अगेन इक्वल का साइन, अब सारे देखिए जो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास आंसर क्या आ गया है 52.09034, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर करंट वैल्यू से, करंट वैल्यू क्या है 66.8492, ठीक है, और डिवाइड किसे कर देना है 100 से। अब आपके पास आंसर क्या आ गया जी 34.82122198, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपनी करंट वैल्यू से, करंट वैल्यू अभी आपके पास क्या है लिंक रिलेटिव की 68.98396, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अगेन 100, सब नंबर्स को आपने 100 से डिवाइड करना है। अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बन गई है 24.02158, मल्टीप्लाई इसको करेंगे करंट वैल्यू से, करंट वैल्यू हमारे पास 71.12299 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 100, लास्ट वन अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे कैलकुलेटर पे, बेटा पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आएगी देन आपने उसके साथ जो है उसको डिवाइड करना है, ठीक है, 74.86631, ठीक है, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है पहले, ऊपर वाली 17.08487 मल्टीप्लाई बाय 74.86631, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपने किससे कर देना है 100 से, ये आपके पास कंप्लीट जो है वो चेन इंडिसेस तैयार हो गया, सिंपल आपके पास डाटा गिवन था, पहले वो लिंक रिलेटिव मांगता था सिर्फ, आप क्या करते थे बेस पकड़ के सबके साथ बेस को डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, अब चेन बनाने को आपको कह रहा है, ठीक है, चेन में आपने क्या करना है पिछले वाले के साथ जोड़ते जाना, पहला 100 100 ही जाता है, ठीक है, क्योंकि निकालोगे भी तो आप वैसे रहेगा, क्योंकि 100 से ऊपर वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 0 डिवाइड बाय 100 100 आ जाएगा आपके पास, 100 आया, 100 को आपने क्या किया 86.0926 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दिया, वैल्यू आपके पास आ गई, अगेन अब आप इस वैल्यू को पकड़ोगे इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 100, फिर ये देखो इस वैल्यू को ये नीचे नीचे सीरीज बन रही है ऐसे, ये वैल्यू ऐसे से जा रही है, ठीक है, इस वैल्यू को पकड़ा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100, फिर इस वैल्यू को पकड़ा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100, ये आपके पास जो है पूरा सीक्वेंस बन जाता है, चेन बन रही होती है, और चेन आपको ये बताती है कि आपके पास जो है आपने डाटे को आपस में जोड़ना है, ठीक है, ये देखो अब आपके पास
क्वेश्चन नंबर आपने इसका देखना है जी, 3.5 मैंने करवा दिया, 3.5 का ए पार्ट, ठीक है, 3.5 का बी पार्ट भी सेम है, ये आपने खुद करना है। इसमें अभी जो प्रॉब्लम होती है हम डिस्कस कर लेते हैं। 3.5 का बी पार्ट, 3.6 का, 3.6, 3.7, अच्छा 3.7 में देखो चेंजिंग है, 3.7 में आपको कह रहा है ए पार्ट में लिंक रिलेटिव बनाना, लिंक रिलेटिव तो आप बना लोगे, ठीक है, सिंपल बेस ईयर लिया और सारी बना ली। चेन रिलेटिव बेस में कह रहा है कि 90-70 को आपने जो है वो बेस पीरियड देना है, तो आपने सारी वैल्यूज को जो है वो 90-70 से ही डिवाइड करना है। इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अभी आपने करना है 3.5 बी पार्ट, ए बी पार्ट, ए मैंने करवा दिया, बी आपने नीट करना है, 3.6, 3.8, ए बी बोथ पार्ट, बस ये आपका काम है। अब बेटा इसमें कुछ नहीं समझ आई तो पूछ लो आप। मिस समझ तो आ गई है, लेकिन जो 3.5 का आपने ए पार्ट करवा दिया, बी पार्ट में उन्होंने बेस वैल्यू बताई नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे? बेटा उसमें कह रहा है फाइंड द चेन एंड पीसेस फॉर द फॉलोइंग प्राइस डाटा, आपके पास डाटा दिया और आपने जो है इसमें से क्या करना है, आपने डाटा लेके पहले इसी तरह लिंक रिलेटिव बनाओगे फिर चेन एंड पीसेस बना दोगे। इसमें बेस ईयर आपने उधर को ऊपर हेडिंग में बताया ना 2004 वाला बेस ईयर लेना है, तो यहाँ पे भी आप 2004 वाला लोगे, 2004 में वैल्यू कितनी है 25.0, तो सबसे पहले आपने क्या करना है सारी वैल्यूज को 25.0 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाना है, फिर आपके पास सारे वो जो होगा ये सारा लिंक रिलेटिव बन जाएगा इस नाम का। फिर आपने वन बाय वन क्या करना है और पहले वाले नंबर को डिवाइड, बट आप ना हेल्प के लिए एग्जाम्पल देख लिया करो, ठीक है, आपको एग्जाम्पल जो है वो हेल्प आउट करेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेना आप, ठीक है, वो आपको हेल्प आउट करेगी सारा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, आपको बता रही है लिंक रिलेटिव जो हम निकाल लेते हैं, जो आंसर आता है उसको हम करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 0, फिर वो जो आंसर आता है उसको हम करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय 0। पेज नंबर 190 पे एग्जाम्पल नंबर 2 ओपन करें। आ गई समझ। आ गई बेटा, जी इसके बाद बेटा एक काम आप लोगों ने साफ सुथरा करना है, काम में नेग्लिजेंस नहीं शो करनी है, ठीक है, आप लोगों ने सबमिट भी करवाना है, ठीक है। ठीक है। तो बस अभी कहिएगा कि ये जो यूट्यूब वाला लेक्चर है वो जो है वो अटेंड करती रहे, ताकि उसको जो है वो इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो साथ साथ बेटा आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 3.5 ए पार्ट बी पार्ट, 3.6, 3.8 ए बी बोथ पार्ट, ठीक है। और बेटा आप लोग के असाइनमेंट्स हैं वो कल तक यूनिवर्सिटी में सबमिट हो गए, कॉलेज में मैंने आप लोग के असाइनमेंट्स रिसीव कर लिए हैं। अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, नहीं, मैं आज करूंगी मैं। बेटा आज करके लाजमी ये जो है अपने डाटा जो आप सबमिट करवाओ, ठीक है, और सभा से भी कहें ताकि आप लोग नोट्स के साथ ही बनते रहें, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। और चैप्टर 3 भी शुरू कर लें, आपके पास वेकेशन है, आप चैप्टर 3 स्टार्ट कर लो, छुट्टियां छुट्टियों को अवेल करें, चैप्टर 3 कंप्लीट करना शुरू करें, जो प्रॉब्लम होगी उनसे पूछते जाइएगा साथ साथ, ठीक इसका लेक्चर होगा? है। नहीं बेटा लेक्चर आपके आज लास्ट लेक्चर था आपका, ठीक ठीक है, लास्ट लेक्चर था, अभी जो चैप्टर है ये हम यहीं तक है। छोड़ेंगे, इसमें सिर्फ हम लोगों ने लिंक रिलेटिव और चेन इंडेसिस किया है, ठीक है, तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर रखना है। उसके बाद हम लोगों ने परमुटेशन किया है, कम्बिनेशन किया है, फैक्टोरियल वाला किया है, ये 3 क्वेश्चन जो आपने उस पोर्शन चैप्टर में से याद रखने हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपने मेन मीडियन अपना जो है वो रिवाइज कर लेना है। तकरीबन बेटा हमारा हाफ से ज़्यादा जो सिलेबस है वो ठीक कम्प्लीट है। हो चुका है, ठीक हो गया। जी
कोई क्वेश्चन पूछना, एमसीक्यूज देख लो बेटा, इसके एमसीक्यूज खोलो, पेज नंबर आपके पास है एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज पेज नंबर 225। मिल गया बेटा, सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 4। जी 1.1 प्राइस रिलेटिव इज परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर बेस एंड। प्राइस रिलेटिव किसकी रेशियो है, ऊपर करंट ईयर रखते हैं, नीचे हम क्या रखते हैं, बताएं इसका बेटा। मिनट, मेरे पास 225 पेज नंबर, आप देख लो अपना। मिल गया। ओके, प्राइस रिलेटिव इज परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर बेस और करंट ईयर प्राइस। प्राइस रिलेटिव हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर प्राइस और किसकी परसेंटेज रेशियो होती है, वो ऊपर करंट ईयर प्राइस होता है, नीचे क्या होता है आपके पास, बेस बेस ईयर प्राइस हाँ जी, बेस ईयर प्राइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फॉर एवरेज, एवरेजिंग द रिलेटिव दैट वी यूज, एवरेज वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, एवरेज हम किस तरह निकालते हैं, जब उसने लास्ट क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स की जो है एवरेज है उसको बेस ले लो, तो उसमें हमने कौन सा तरीका यूज़ किया था, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन या मोड। अर्थमेटिक मीन का बेटा हम लोगों ने मेथड जो यूज़ किया था उसमें हम क्या करते थे, तीनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल, तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन का